अगस्त के महीने में सियासी भूचाल, उठा पटक और पता नहीं क्या क्या चलते रहता है। सावन के महीने में नीतीश कुमार चुप हो जाते हैं और हो सकता है कि शंकर जी के बहुत बड़े भक्त हों तो शांत है, महादेव की भक्ति में लीन हों, लेकिन उनके मन में, उनके अंदर भी काफ़ी उथल पुथल चल रहा है। हम तो भाई, हम अल्पसंख्यक समुदाय के सबसे बड़े हितैषी हैं, हमारी पार्टी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए क्या क्या नहीं किया है, और उसके ही खिलाफत में अगर हम राजनीति शुरू कर दें तो फिर 25 का चुनौवा में वोटवा कहाँ से लाइएगा। इसलिए वो राजनीतिक रणनीतिकार चाणक्य कहे जाते हैं। बिना अमित शाह के नरेंद्र मोदी नहीं है, नरेंद्र मोदी के अमित शाह नहीं है, तो इस वजह से ये चर्चा। लेकिन अभी क्या है, अभी इन दोनों को समेट कर रखना है, तो भाई अगल बगल बैठाइए, बीच में वो है। अब क्या है कि नीतीश कुमार कल क्या फैसला करने वाले हैं, दर्शक भी तब से सोच रहे होंगे कि अरे बाप रे क्या करेंगे, क्या फिर पलट जाएंगे नीतीश कुमार, क्या इम्पैक्ट इससे पड़ेगा। अब देखिए क्या क्या सुविधा मिलेगा, महिला शिक्षिका शिक्षिकाओं को क्या किया गया है, उनके घर से काफ़ी किलोमीटर दूर भेज दिया गया है, इससे समस्या है उनके कि भाई रहने का दिक्कत, जाने आने का असुविधा। आज भी बहुत जगह पर असुविधाएं हैं बिहार में, ये मानना होगा। ऐसा है कि होम ब्लॉक में ऐच्छिक ट्रांसफर होगा, पोस्ट रिक्त नहीं रहने पर बगल के ब्लॉक और जिले में देने की तैयारी है, मतलब ये आसान हो जाएगा सुविधा। तो नीतीश कुमार कल एक बड़ा ऐलान इस पर कर सकते हैं, इस पर भी वही इम्पैक्ट पड़ेगा। शिक्षकों का वोट बैंक, घोषणा नंबर 4, 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे नीतीश कुमार, इसका ऐलान वो करेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मुद्दे की बात करने बैठे हैं। बिहार में अभी सियासी उतल पुथल जारी है। बता दें कि बिहार में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नजदीक है, हालांकि विधानसभा चुनाव चुनाव में अभी समय है, लेकिन उसकी बिसात अभी से बिछने लगी है। जिस तरीके से दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी दे दी गई और दिलीप जायसवाल अब तुरंत तुरंत जो समझिए तो जाते हैं दिल्ली आनंद फानन में, और कभी अमित शाह से मिलते हैं तो कभी जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो गुरु मंत्र लेकर चले आते हैं। एक बार फिर कुछ इस तरीके का दिख रहा है। दिलीप जायसवाल वहां दिल्ली पहुंचे हैं और यहां पर बाबा से हमें चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से 15 अगस्त को जो केंद्र में भी कुछ हो जाएगा, पीएम मोदी जो भाषण देंगे उसमें, और एक बार राज्य में भी नीतीश जब भाषण देंगे तो उससे कुछ हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है। रत्नेश हमारे साथ मौजूद है, रत्नेश से बात करेंगे। रत्नेश, क्या होने वाला है? देखिए, 15 अगस्त और अगस्त का महीना सियासत के लिए बड़ा मतलब खास महीना माना जाता है, और अगस्त के महीने में बिहार की राजनीति बहुत कुछ बदलती है। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक हैं इस बात की चर्चा करते हैं कि अगस्त का महीना बिहार के लिए बड़ा क्रिटिकल महीना होता है, और श्रावणी में हमेशा नीतीश कुमार को देखा गया है कि वो चुप रहते हैं। जब सियासी बड़ा उलटफेर होने वाला होता है या फिर कुछ बड़ा बदलाव होने वाला होता है, नीतीश कुमार चुप हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू करते हैं वो इशारे देना शुरू कर देते हैं कि अब इसके बाद की रणनीति हमारी क्या है, इसके बाद हम किन्हें आगे बढ़ाएंगे, किसके कंधे पर सर रखेंगे, किसको कुर्सी सौंपेंगे। और इन सब के चर्चा के बीच में एक चर्चा ये उठ रही है कि नीतीश कुमार इलाज कराने के लिए जा रहे हैं अमेरिका, लेकिन कल बाबा बता रहे थे कि नीतीश ने ये सारा कुछ अपना टाल दिया है। जो इलाज कराने की बातचीत चल रही थी वो नीतीश कुमार की वो टल चुकी है। अब कब नीतीश कुमार जाएंगे ये अभी तक फिक्स नहीं है। जो बात टली है ये बिहार में उथल पुथल देख के वो टाल दिए होंगे कि कुछ शांत नहीं है अभी। देखिए, बिहार में उथल पुथल या फिर जैसा आप देखेंगे कि ममता बनर्जी का संदेश लेकर के शत्रुघ्न सिन्हा पहुंचे थे, उनके सांसद दूत बन करके वो पहुंचे हुए थे, और नीतीश के बड़ाई में कसीदे उन्होंने पढ़ने शुरू कर दिए। अरे नीतीश जी ने तो बहुत शानदार काम किया है, मिल रहे हैं लालू से, लेकिन बड़ाई कर रहे हैं नीतीश कुमार का। अब ये भाई समझ से परे है कि ऐसा वो कर क्यों रहे हैं, संदेश देना क्या चाहते हैं। आपको ये पता है कि अनंत अंबानी के शादी में इंडिया गठबंधन की बैठक में ये फैसला लिया जा चुका है कि नीतीश कुमार के पास एक बार फिर ये ऑफर रखा जाए कि आप आइए, आपको संयोजक बनाएंगे, आपको बड़ा पद देंगे,
संभावित है, संभावनाएं हैं कि प्रधानमंत्री भी हम बना सकते, ऐसी संभावना है। ये सारी बातें काल्पनिक है, ये चल रहा है चर्चा और उस आधार पर हम आपको बता रहे हैं। अब नीतीश कुमार क्या वो फैसला लेते हैं कि नहीं लेते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की चुप्पी बड़ी घातक होती है और ये सभी जानते हैं। नीतीश कुमार ने जो चुप्पी साधी है उस चुप्पी के आधार पर ये सारी खबरें, ये सारी बातें चल रही हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि नीतीश कुमार शांत हैं, इसलिए शांत है कि जदयू के कई मंत्री, प्रवक्ता, नेता ये कहते हैं कि नीतीश बेवजह फालतू का बयान नहीं देते हैं, हर टॉपिक पर बयान देना उनको मुनासिब नहीं लगता है, उचित नहीं है कि हर टॉपिक पर वो बयान दे दें। वो बड़े सीरियस राजनीति करते हैं नीतीश कुमार, और बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो बिहार में बहुत सारे काम करने, चेंजेस करने हैं, और इस वजह से वो मंथन कर रहे हैं। इन सब के बीच में कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त का भाषण नीतीश कुमार का बेहद खास होने वाला है। बात की चर्चा अगस्त के शुरुआत महीने से कर दिए थे क्योंकि अगस्त के महीने में सियासी भूचाल, उठा पटक और पता नहीं क्या क्या चलते रहता है। सावन के महीने में नीतीश कुमार चुप हो जाते हैं, और हो सकता है कि शंकर जी के बहुत बड़े भक्त हों तो शांत है, महादेव की भक्ति में लीन हों, लेकिन उनके मन में, उनके अंदर भी काफ़ी उथल पुथल चल रहा है। भाजपा की रणनीतियों से नीतीश कुमार सहज नहीं है। आज हम एक जदयू के प्रवक्ता से बातचीत कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, और हम चर्चा भी कर रहे थे इस बारे में कि सर नीतीश कुमार चुप है, चुप्पी बड़ी घातक होती है, ये आपको पता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ कुछ चीज़ों पर भाजपा से नाराजगी नीतीश कुमार की है, उन्होंने स्वीकारा। और एक बड़ी बात हम आपको ये बता देते हैं कि फिर से ललन सिंह को बड़ा फटकार मिला है नीतीश कुमार के तरफ से कि वक्फ बोर्ड कानून पर आपने बिना पूछे हमसे कैसे बोल दिया। और इसलिए आप देखेंगे जैसे ही सदन खत्म किया जाता है ललन सिंह भागे भागे पटना पहुंचते हैं, और पटना पहुंच के सीधे जाते हैं नीतीश कुमार से मिलने। नीतीश कुमार टेबल टॉक करते हैं, कहते हैं कि कैसे बोल दिए, हमसे पूछना ना चाहिए था आपको, मोदी कैबिनेट के हो गए हैं, ये कैसे बोल देंगे, वो मोदी कैबिनेट के हो गए हैं, ये वो नहीं बोल सकते हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी ने ललन सिंह को आगे कर दिया कि जाइए आपको बोलना है, ललन जी आगे आइए। नरेंद्र मोदी का एक वीडियो वायरल हुआ था 2022 का, वो महीना 2022 का ही समय था, और नीतीश कुमार के पलटी मारने की चर्चा चल रही थी, राष्ट्रपति का चुनाव होना था, और उस समय ललन सिंह गए थे नरेंद्र मोदी के साथ। एक तस्वीर उनकी वायरल होती है, एक वीडियो वायरल होता है जिसमें ललन सिंह को बड़ा तवज्जो देते हैं नरेंद्र मोदी, और जब ललन सिंह पीछे खड़े रहते हैं तो उनको कहते हैं कि अरे ललन जी किधर हैं, पीछे हैं, अच्छा ललन जी आगे आइए। फिर एक बार नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि ललन जी आगे आइए, बोलिए ना, भारतीय जनता पार्टी का सब नेता चुप है, तनी साहब तनी दिखाइए अपना पावर, मंत्री बनाया तो आपको बोलना पड़ेगा। तो ललन सिंह जाते हैं, ऐसा उखाड़ कबाड़ करते हैं कि नीतीश कुमार टेंशन में, क्या रहे बाप रे बाप, हमारा सांसद और वक्फ बोर्ड कानून पर, हम तो भाई हम अल्पसंख्यक समुदाय के सबसे बड़े हितैषी हैं, हमारी पार्टी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए क्या क्या नहीं किया है, और उसके ही खिलाफत में अगर हम राजनीति शुरू कर दें तो फिर 25 का चुनौवा में वोटवा कहाँ से लाइएगा। तो वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार समेटना चाहते थे, ललन सिंह के इस बयान से नाराजगी थी और भारतीय जनता पार्टी पर भी नाराजगी थी। नरेंद्र मोदी से देखिए, अमित शाह से नीतीश कुमार काफ़ी नाराज रहते हैं, वो नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह दिखे, और इस वजह से आपने देखा होगा अब नरेंद्र मोदी अमित शाह को, जैसे नीतीश कुमार अगर गए उनसे मिलने के लिए, अमित शाह आप वहाँ खड़े रहिए, नीतीश जी आप यहाँ बैठिए, इधर चंद्रबाबू नायडू बैठेंगे, दोनों बीच में नरेंद्र मोदी, क्योंकि इन दोनों की वजह से हम हैं। अब अमित शाह की वजह से नरेंद्र मोदी नहीं है, इन दोनों अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की वजह से नरेंद्र मोदी हैं। अमित शाह वहाँ से खड़ा होकर ताकते हैं कि हमारा जगह तो छीन लिए ही दोनों आदमी, अब क्या करेंगे। तो ये एक नीतीश कुमार की एक बड़ी जीत आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि अमित शाह की जो रणनीति है ना, बहुत सारे लोग उनसे नाराज होते हैं। देखिए यूपी में जो कुछ भी हुआ, यूपी में कई तरह की चर्चाएं चली, कई तरह की बातें उठी, उसमें अमित शाह का नाम आ गया, लेकिन अमित शाह की रणनीति भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की रणनीति है। अमित शाह को ये दिखाना है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा रणनीति में बदलाव करते हैं, अब जनता को पसंद नहीं आता अलग बात, लेकिन रणनीति जो बनाते हैं अमित शाह, उनकी रणनीति के कायल है नरेंद्र मोदी, इसलिए वो राजनीतिक रणनीतिकार चाणक्य कहे जाते हैं। बिना
अमित शाह के नरेंद्र मोदी नहीं है, नरेंद्र मोदी के अमित शाह नहीं है, तो इस वजह से ये चर्चा। लेकिन अभी क्या है, अभी इन दोनों को समेट कर रखना है, तो भाई अगल बगल बैठाइए, बीच में वो है नरेंद्र मोदी बैठे। अब क्या है कि नीतीश कुमार कल क्या फैसला करने वाले हैं, दर्शक भी तब से सोच रहे होंगे कि अरे बाप रे क्या करेंगे, क्या फिर पलट जाएंगे नीतीश कुमार। देखिए नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर राजनीति करते हैं, नीतीश कुमार अपनी रणनीति पर काम करते हैं, भले ही नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी कुछ और रणनीति बनाए, लेकिन नीतीश कुमार जानते हैं कि भारत बिहार में कैसे वोटरों तक पहुँचना है, वोटरों के लिए क्या लाना है। महिलाओं का एक वोट बैंक उनके पास है ना, शराबबंदी की वजह से आज भले ही शराबबंदी बिहार में सफल नहीं है, लेकिन जब नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की, महिलाओं का एक वोट बैंक उनके साथ जुड़ गया, उन महिला वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश की जा रही है। और एक चीज़ देखिए, महिला शिक्षक और साथ ही साथ अन्य जो उनका लौकिक समीकरण है, ये सभी नीतीश कुमार से छटकते नहीं। लेकिन क्या हुआ, जब से महागठबंधन की सरकार बनी, उसके शुरू से शिक्षकों पर बड़ा अत्याचार होने लगा, ऐसा लगा कि शिक्षक मतलब बंधुआ मजदूर हो गए हैं। शिक्षा मंत्री बयान देने लगे, कहे कि डोमिसाइल नीति की जब बात आई तो शिक्षा मंत्री का बयान है कि बिहार से ज़्यादा काबिल बिहार के बाहर शिक्षक हैं, मतलब अपने शिक्षकों पर ही भरोसा नहीं है, बताइए। ये बयान था शिक्षा मंत्री का, तो शिक्षकों में एक नाराजगी थी। बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की बहाली की गई है, और इस बहाली में जो नियोजित शिक्षक है, जो आंदोलन उन्होंने किया था, उस पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की अब निगाहें हैं। और कल 15 अगस्त है, तो कल एक से बड़े एक भाषण नीतीश कुमार के देंगे। भाषण 10 पॉइंटर्स हैं हमारे पास, वो पॉइंटर्स एक एक करके हम आपको बताते हैं। वो घोषणा भी करने वाले हैं नीतीश कुमार कि कल बिहार की राजनीति में बिहार की जनता के लिए क्या हम ला रहे हैं। तो घोषणा नंबर एक है, 4 लाख नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर होने वाला है, ये संभावित है, ऐसा घोषणा कर सकते हैं। 4 लाख शिक्षकों का जो ट्रांसफर का मामला था वो कहीं ना कहीं उठा है, और इसे लेकर उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है, और पुरुषों को म्यूचुअल ट्रांसफर का मौका मिलेगा, महिला शिक्षकों के ऐच्छिक पोस्टिंग का प्रावधान किया गया है, दिव्यांग पति पत्नी शिक्षकों को एक ब्लॉक में पोस्टिंग का प्रावधान किया जा रहा है। और ये पोस्टिंग वाला तो खबर आप लगातार कर रही हैं, आप बता रही हैं दर्शकों को कि क्या रणनीति बन रहा है, क्या इम्पैक्ट इससे पड़ेगा। अब देखिए क्या क्या सुविधा मिलेगा, महिला शिक्षिका शिक्षिक शिक्षिकाओं को क्या किया गया है, उनके घर से काफी किलोमीटर दूर भेज दिया गया है, इससे समस्या है उनके कि भाई रहने का दिक्कत, जाने आने का असुविधा, आज भी बहुत जगह पर असुविधाएं हैं बिहार में, ये मानना होगा। तेजस्वी यादव हवा में बोल दिए कि यार एक गांव में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम सुरक्षा मुहैया कराएंगे। कहाँ सुरक्षा, आप ही तो अपराध का बुलेटिन जारी करते हैं, कहाँ सुरक्षा है। तो जाना उनसे अपने क्षेत्र में अगर महिलाएं रहेंगी तो उनको सुविधाएं ज्यादा मिलेंगी, और महिला शिक्षिका को तो कम से कम अपने क्षेत्र में देना चाहिए, तो के पाठक को भी समझना चाहिए था, बीपीएससी को भी समझना चाहिए था। लेकिन खैर ये अलग बात है, तेजस्वी यादव अपनी क्रेडिट लेना चाहते थे। इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, 4 लाख नियोजित शिक्षकों पर असर पड़ेगा, 25 का चुनाव है, अरे भाई शिक्षक एक बड़े वोट बैंक है। मान लीजिए कि आपके घर में एक व्यक्ति कोई शिक्षक है, तो उन शिक्षक के पीछे 10 आदमी का वोट है, अब वो किधर वोट देते हैं उनकी बात है, लेकिन एक शिक्षक के पीछे 10 आदमी तो है ना, उनके परिवार के लोग। अब महिला शिक्षिकाओं से क्या होगा, अगर आसपास में दे देते हैं कि अरे नीतीश जी तो बड़ा अच्छा काम कर ले बड़े, इनकरा के वोट देवे के चाहिए, महिला शिक्षिका का वोट जुड़ गया, उनके पीछे भी 10 आदमी, तो ये एक घोषणा नीतीश कुमार की कल संभावित करेंगे। घोषणा नंबर 2 कि नियोजित शिक्षकों के आश्रित को अनुकंपा पर रखा जाएगा, ठीक है, ये अनुकंपा पर नौकरी की चर्चा है। अच्छा, अपने शिक्षकों को ही ज्यादा फोकस किया जा रहा है। बिल्कुल, शिक्षकों के मन में कहा कि भाई शिक्षकों के पीछे 10 वोट है, 10 में से 5 वोट भी अगर पड़े, 5 छोड़िए 3 भी वोट पड़ेगा तो बहुत बड़ा वोट है उनके साथ। इससे क्या होगा, ये मांग काफी पुराना है, जो अनुकंपा वाला बात हम कर रहे हैं वो काफी पुराना है, और शिक्षक लगातार अनुकंपा नीति की मांग कर रहे थे। नियोजित शिक्षकों की मौत पर उनके आश्रितों को नौकरी के लिए भटकना पड़ रहा था, अनुकंपा पर नौकरी के लिए भटकना पड़ रहा था, इसकी नीति बनेगी, और नीति मुझे लगता है बन चुका है, नीतीश कुमार इसका ऐलान करेंगे। अब इसका असर देखिए, 4 लाख नियोजित शिक्षकों पर असर पड़ेगा, उसके बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलने से परिवार को लाभ मिलेगा, तो ये है।
अब देखिए घोषणा नंबर 3, बीपीएससी टीचर्स का तबादला। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार के राजनीति के लिए। बीपीएससी शिक्षक इन दिनों परेशान परेशान हो गए थे। लाठीचार्ज भी हुई, लाठीचार्ज की बात अलग है। बीपीएससी शिक्षक और शिक्षिका इस वजह से परेशान है कि मैंने देखिए उसमें प्रावधान ये दिया गया था कि जैसे मान लीजिए कि कोई शिक्षक है, कोई शिक्षिका है, उनको दिया गया था 3 जिला कि जैसे पटना में है तो एक आप पटना चुनिए, पटना के अलावा कोई नहीं, नहीं दरभंगा नहीं, मतलब 3 जिला आसपास का, जैसे पटना है तो पटना चुन लीजिए, बाढ़ चुन लीजिए, इसके अलावा आप हाजीपुर चुन सकते हैं। लेकिन क्या हुआ इसमें कि इन तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, सीधे भेजा गया पटना है आपका, अच्छा तो पटना है तो चल जाइए इधर किशनगंज, आप उधर जाके नौकरी कीजिए। तो इससे शिक्षिकाओं में एक नाराजगी थी कि शाम 5 बजे ठंड के समय में काफी परेशानियां हो रही हैं, कई शिक्षिकाओं ने अपने वीडियोस भी वायरल किए थे, चले थे। तो अब कहीं ना कहीं ये ऐसा है कि होम ब्लॉक में ऐच्छिक ट्रांसफर होगा, पोस्ट रिक्त नहीं रहने पर बगल के ब्लॉक और जिले में देने की तैयारी है, मतलब ये आसान हो जाएगा सुविधा। तो नीतीश कुमार कल एक बड़ा ऐलान इस पर कर सकते हैं, इस पर भी वही इम्पैक्ट पड़ेगा शिक्षकों का वोट बैंक। घोषणा नंबर 4, 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे नीतीश कुमार, इसका ऐलान वो करेंगे। आपको पता है कि बिहार में लगभग आपको पता है कि बिहार में लगभग 40 लाख वैकेंसी है, उन्होंने रिसर्च करा के बताया भी था। तो घोषणा नंबर 4 है 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। घोषणा नंबर 5 सुनिए, मुसलमानों के लिए कौशल विकास स्कीम। ये एक बहुत बड़ा, जैसे कि शुरू में मैंने चर्चा किया कि मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी, सबसे बड़े वोट बैंक नीतीश कुमार, अल्पसंख्यक समुदाय का एक बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार के पास है। तो जो ललन सिंह ने बिगाड़ा है कल उसको सुधारेंगे। अब गड्ढा खोद दिया तो भाई भरना तो पड़ेगा ना, नहीं तो उसमें गच से गिर जाइएगा, नीचे चल जाइएगा, नाला में बह जाइएगा, तो उसको भरना है। तो 15 अगस्त को मुसलमानों के लिए नई योजना नीतीश कुमार ला रहे हैं, कौशल विकास योजना की शुरुआत करेंगे। इच्छुक लोग अपना रजिस्टर्ड नाम करा सकते हैं, इसका लाभ लेंगे। 78 ब्लॉक की इस योजना को प्राथमिकता के साथ शुरू किया जाएगा। जातिगत सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में मुसलमान कुल 2,31,49,925 है, जो आबादी के 17% है, मतलब कुल मिलाकर 18%। नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा वोट बैंक। इसके अलावा नीतीश के पाले में मुस्लिम वोटर्स कम हुए हैं, MY समीकरण में सेंधमारी सीधे इससे स्पष्ट है। अब देखिए घोषणा नंबर 6, शराबबंदी और कड़ी होगी। शराबबंदी की जिसकी चर्चा मैंने की कि महिलाओं, शुरू में ही मैंने किया कि महिलाओं का एक वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ है, शराबबंदी नहीं है, लेकिन फिर भी अब मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को अगर बिहार की राजनीति में शराब पर कुछ करना है तो सीरियसली एक नीति बनाकर एक तैयारी के माध्यम से इस पर कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। और अगर नीतीश कुमार इसमें सफल हो जाते हैं ना तो एक बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। इस वजह से नीतीश कुमार की कितनी किरकिरी हुई है, बहुत किरकिरी हुई है, और ये जरूरी भी है। इस पे एक कहीं ना कहीं उनको शराबबंदी पर कड़े कानून, आप देखेंगे मुख्य सचिव से लेकर DGP सब बदले जा रहे हैं, हो सकता है कोई नया व्यक्ति आए, नए तरीके से नया कानून लेकर आए, वो एक बड़ी बात होगी। घोषणा नंबर 7, किसानों के लिए घोषणा नीतीश कुमार करेंगे, किसानों के लिए बड़ा घोषणा करेंगे कि राज्य भर में किसानों को 20 घंटे बिजली की आपूर्ति मिले, किसानों के लिए डीजल अनुदान मिले, और बिहार में 32 लाख किसान डीजल सब्सिडी का लाभ लेंगे। इम्पैक्ट यहीं पड़ेगा, डीजल अनुदान की राशि से उत्पादन पर सीधा फर्क पड़ेगा और किसानों की आय बढ़ेगी। किसान वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक है जो नाराज NDA से रहता है, नीतीश कुमार उसमें भी सेंधमारी कर देंगे। किसान भाइयों आइए आप हमारे साथ, आपके लिए बहुत बड़ा योजना है। अब देखिए घोषणा नंबर 8, गरीबों के लिए नई योजना ला रहे हैं। इस आधार पर बिहार में आरक्षण का दायरा 65% तक ले गए थे, ये अलग बात है कि हाईकोर्ट इन जगहों से खारिज मिल गया इनको, और अब क्या करेंगे कि इनको आर्थिक सहायता की शुरुआत करेंगे। पहले आर्थिक सहायता में कुछ रुपए दिए जाएंगे, जमीन नहीं है तो उनको कुछ जमीन मुहैया कराई जाएगी। इससे क्या होगा कि लगभग 95 लाख लोगों को इसका सीधा फायदा होगा। सरकार इसे रोजगार से जोड़ेगी, आय बढ़ने को लेकर मनरेगा योजना से भी इसको जोड़ा जाएगा। घोषणा नंबर 9 है, महिलाओं के लिए कुछ योजना नीतीश कुमार ला सकते हैं, और फिर वही बात है कि एक बड़ा वोट बैंक है महिलाओं का, तो वो करेंगे। और देखिए जो अंतिम है घोषणा नंबर 10, सामाजिक पेंशन में इजाफा।
अभी 400 से 500 महीना दिया जाता है पेंशन, 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को 500 हर महीना दिया जाता है। हो सकता है कि ये 1000 रुपया हो जाए, हो सकता है कि ये 1500 हो जाए, और इसका जो है 48,000 करोड़ रुपए खर्च इस पर किया जा सकता है। इससे क्या होगा, 30 लाख बुजुर्गों को इससे फायदा मिलेगा, वोट बैंक में तब्दीली होने की आशंका है। तो ये बड़ी घोषणा थी, और पिछली बार की कुछ घोषणाएं हम आपको याद दिलाते हैं। 2023 की नीतीश कुमार ने क्या किया था, अस्पतालों में व्यवस्था कराया, 10 लाख नौकरी देने का वादा किया उन्होंने, दिया, लगभग नौकरी मिला, कृषि रोडमैप से किसानों की स्थिति सुधरी है, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की बातचीत कही थी, सहरसा में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, और इसकी चर्चा उन्होंने लक्ष्य के माध्यम से उन्होंने पूरा किया था। तो ये 10 योजना है, और ये घोषणा कल नीतीश कुमार करेंगे, और देखिएगा कि इस घोषणा के बाद अगर वाकई में ये इम्प्लीमेंट हो गया तो नीतीश का वोट कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जा रहा है। क्या प्रशांत किशोर, क्या तेजस्वी यादव, क्या भारतीय जनता पार्टी, कोई नहीं छटका सकता है। ये वोट 2025 में नीतीश को नंबर 1 की पार्टी बना सकती है। एक बार फिर से सीएम नीतीश की मुख्यमंत्री कुर्सी बनी रहेगी। बिल्कुल सही बात है। चलिए देखिए, तमाम मुद्दों पर हमने रत्नेश से चर्चा की। अब कल 15 अगस्त है, क्या कुछ होता है गांधी मैदान में, इसी गांधी मैदान में सब कुछ होगा, उस पर हमारी नजर रहेंगी, पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।